परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को। संसार में सब सुख चाहते हैं, दौलत राम जी भी कहते हैं कि तीन लोक में जितने प्राणी हैं सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन काम दुख के करते हैं। हम भगवान की उपासना भी करते हैं तो सांसारिक सुख के लिए करते हैं। एक बार किसी ने आकर मुझसे कहा कि माता जी, सब तो सुख चाहते हैं, स्वास्थ्य सुख चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान सुख देता क्यों नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल सब की लिस्ट लेकर आना क्या क्या चाहते हैं और अपने घर जाना। मंदिर में तो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, भगवान से कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, लेकिन अंदर में पुकार देखो उनकी क्या होती है, वही नासवान का पुकार होती है। स्वास्थ्य सत्ता वाले के सामने नासवान सत्ता मांगते हैं, परम पद पाने के सामने राजनीतिक गंदे पद चाहते हैं। हम जीवन में उत्थान की जगह पतन मांगते हैं, हम जीवन की जगह मौत मांगते हैं। वो परमात्मा परम पिता है, वो अपने बच्चों को मौत कैसे दे देगा। और मांगते क्या है, हम लोग बोलते हैं सुख में हो कर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। और कितनी अच्छी भावना बोलते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। सुख में होकर हम मग्न होकर फूले नहीं और आपको भूले नहीं, लेकिन उल्टा होता है। सुख में हम बिल्कुल भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं और अपने प्यारे लोगों को भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं समय कुछ नहीं देता है, मैंने कहा समय इंसान की फर्क करा देता है। तीन लोगों को जिंदगी में याद रखना जो तुम्हें मुसीबत में काम आते हैं, जो मुसीबत में छोड़ देते हैं और जो मुसीबत में डालते हैं। हम संसार के लोग अक्सर मुसीबत में डालते हैं और मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा का धन ऐसा होता है जो मुसीबत में काम आते हैं, उनको हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि जब जब सीता पर हो, द्रौपदी पर हो, सोमा पर हो, सीता को अग्निकुंड था, कोई विकल्प नहीं था, संसार से क्या मांगना। क्योंकि कहते हैं दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। राम जैसे चाहने वाले जब इज्जत की बात आती तो सीता को वन में निकाल देते हैं, धोखे से निकाल देते हैं, और अंत में कहते हैं कि सीता अग्नि परीक्षा देंगी। लेकिन उस समय भी उसने परमात्मा को याद किया था और अग्नि का नीर बन गया। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हारे को हरि का सहारा होता है। जब इंसान थक जाता है, हम झूठ बोलते हैं मंदिरों में जाकर, थकी नाव भव दधिविसे, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। हमारी नाव थकी नहीं है,
हम शब्दों से उनके सामने कहते हैं जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनसे कहते हैं थकी नाओ भवददी विषय, कहाँ भवददी में कहाँ थकी है, आज भी तुम्हारी वो ही प्रयास है कि तुम्हें आगे और भव मिले। जो कामना में जीता उसे कामना और मिलती है और अतृप्ति मिलती है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान अब नहीं चाहिए संसार, लेकिन हर काम संसार के कर रहे हैं। जितनी लगन से हम संसार के काम करते हैं, इतनी लगन से अध्यात्म की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। पूरे जीवन में सुबह से शाम तक का हिसाब लगाना क्या अपने लिए किया है, क्या दूसरों के लिए किया है, क्योंकि ये शरीर के लिए जो किया है उसे आप अपना मानते हो, वो भी यही रह जाएगा, वो भी एक दिन चिता के हवाले कराएंगे, और वो लोग कराएंगे जिनके लिए तुमने पूरा टाइम दिया था। और लेकिन आज तक परमात्मा को टाइम नहीं दिया। परमात्मा के नाम पर हमने कुछ शब्दों को, कुछ माला फेरने को, और कुछ समय भगवान का नाम लेके आंख बंद करने को हमने परमात्मा का स्मरण समझ लिया है। परमात्मा के गुणों की अनुभूति हमारे अंदर एक वेदना दे, अतृप्ति दे कि हम जहां हैं वहां तृप्त नहीं है। हम कहते हैं सुख में होकर मग्न न फूलें, जरा सा पैसा हो जाए, जरा सा पद मिल जाए, बिल्कुल भूल जाते हैं। जबकि लोग कहते हैं संतुष्ट रहूं, मैं कहती हूं धर्म के लिए असंतुष्ट रहना। संसार में कुछ भी मिल जाए संतुष्टि नहीं मिलती जब तक कि हम परमात्मा नहीं बन जाए। परमात्मा बनने के बाद ही पूर्ण तृप्ति मिलती है, उसके पहले तो सब तृप्तियां अधूरी हैं, अतृप्ति हैं। और हमने आज तक ऐसी तृप्तियों को, अतृप्तियों को तृप्ति समझ लिया। आप ये पहली बार कोई सब्जी खाते हैं, भिंडी हो, अचार हो, आम हो, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही आपको 15 दिन दिया जाए तो फिर आप उसे फेंकने का मन करेगा, क्योंकि संसार ऊब का ही नाम है। किसी से आप बात करते हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, लेकिन बहुत दिन बात करेंगे तो ऊब जाएंगे। एक सब्जी नहीं खा सकते, एक गाना नहीं सुन सकते, एक पिक्चर बार बार नहीं देख सकते हैं, फिर जिंदगी में क्या है तुम्हारा, पुनरुक्ति के अलावा क्या है? सुबह से वही उठना, नहाना, खाना, नाश्ता करना, और दुकान जाना, दुकान से वापस घर आना, सो जाना, सुबह वही रूटीन हो जाते हैं, वही तुम्हारा चक्र चलता रहता है। लेकिन तुम अजीब हो, घबराते नहीं हो, तुम्हें कभी ऊब पैदा नहीं होती है कि, और एक जन्म में नहीं, हर जन्मों में किसी भी पर्याय में गए हम, हमने यही सब तो किया है, चाहे त्रियंच में गए, चाहे नरक में गए, चाहे मनुष्य में गए, इस काम को दो चार काम के आहार भय मैथुन परिग्रह के अलावा हमने कुछ नहीं किया। हर जगह धोखा खाया है, और जब जब धोखा खाया है तब परमात्मा को सिर्फ मतलब से याद किया कि धोखे से निकाल देना, फिर हम तुम्हें धक्के दे देंगे। हम परमात्मा को भूल जाते हैं, दुख में परमात्मा को दोष देते हैं। जितने अच्छे काम होते हैं उन सबका श्रेय हम लेते हैं। आपके बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, कोई बढ़िया अफसर बन जाए, नेता बन जाए, तो क्या कहते हैं हम, सारा श्रेय आप लेते हो। आप कहते हैं हमने बहुत मेहनत की, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमने इसके लिए घर गिरवी रख दिया। और जितने खराब काम होते हैं तो आप कहते हैं भगवान ने बड़ा बुरा किया। आप देखो किसी के घर जवान मौत हो जाती है तो लोग अपने कर्मों का उदय नहीं देखते हैं। मैंने किसी का घर उजाड़ा होगा, आज मेरा उजड़ गया, इस बात पे ख्याल नहीं जाता है। हमेशा कहते हैं भगवान ने बड़ा बुरा किया, इनको उठा लिया। और बुढ़ापे में नहीं उठाए तब भी भगवान को ही दोष देते हो तुम, भगवान इनकी उठाता नहीं, भगवान इनकी सुनता नहीं। अरे जिंदगी भर तुमने एक दिन भगवान की नहीं सुनी, यदि एक दिन सुन लेते तो तुम्हारे घर के कलेश द्वंद सारे मिट जाते, लेकिन आखिरी दिन तक तुम द्वंद नहीं मिटाना चाहते हो, द्वंद्व को बढ़ाना चाहते हो। और कहते हो कि दुख में भगवान तुम्हारी याद करूं, दुख में क्यों, दुख क्या है? सम्यक दृष्टि जीव के लिए कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो दुख को भी सुख में बदल देता है। सीता को अग्नि परीक्षा का समय था, वो परमात्मा का स्मरण कर रही थी कि जल जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा मैंने यदि कोई जरा भी दोष लगाए हो तो अग्नि तो मुझे भस्म कर लेना। लेकिन क्या हुआ, सांच को आँच नहीं, देवताओं के आसन डोल गए, द्रौपदी का चीर बढ़ा। आपने हिंदू पुराणों के अनुसार सुना है
कि एक बार द्रौपदी ने अपनी पट्टी साड़ी का टुकड़ा लगा दिया था हाथ में, और उसके प्रतिफल स्वरूप उन्होंने चीर बढ़ा दिया। जैन धर्म के अनुसार देवताओं ने चीर बढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, एक नहीं अनेकों दृष्टांतों पर, अनेकों समय पर पांडवों को जंगलों में भी सहयोग मिला। किसके कारण मिला? जो पूर्व में अच्छे कर्म किए थे उनके कारण मिला। आज हम भविष्य में ज्योतिषियों से हाथ दिखवाते हैं, अरे अपने भाग्य को देखो, अपने कृत्यों को तरफ नजर डालो। हम क्या कर रहे हैं? अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दिन रात कलह की प्रवृत्ति है, वो नरक ले जाएगी। कलह फिर जीवर के करना, वहां कोई टोकने रोकने नहीं आएगा। हमारी ईर्ष्या छल कपट क्या करेगी? इस जन्म में भी जलाती है और अगले जन्म में भी जलाती है। पहले मकान पर दरी पर सो जाते थे लोग, कहते थे पहले लोरियों से भी, पहले कोई डांटता था तो रो लेते थे, डांटता था तो रो लेते थे, कुछ देता तो खुश हो लेते थे। अब नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की एक लोरी से ही सो लेते थे। एक समय वो था जबकि अभाव था लेकिन जीवन में सद्भाव था, वस्तुओं का अभाव था लेकिन जीवन में सद्भाव था। आज मकान बड़े और दिल छोटे हो गए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 10 मिनट में फोन आता है, कॉल आता है कि कोई लोन ले लो, यानी दुनिया खड़ी है कि तुम भिखारी बन जाओ, ले लो कहीं से भी। और लोग भी ले लेते हैं, फिर चिंता में जीते हैं। लोग कहते थे कि दीवारों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूं पहले दिल में दरार होती है तब कहीं जाकर दीवारों में दरारें होती हैं। हमारी दीवारों की दरारें, दिल की दरारें बहुत बढ़ गई हैं। हमारा पता एक है लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं होता है। एक कैसी जिंदगी है कि एक परिवार में एक कमरे में भी यदि 10 लोग बैठे हैं अपने अपने मोबाइल में लगे रहते, कोई किसी से बात करके राजी नहीं है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। कि वास्तव में तुम चंद्र लोक की बात क्या करते, तुम मोक्ष चले जाते। लेकिन नहीं, आज का आदमी मोक्ष किस चीज में मानता है? ऐस आराम की जिंदगी में जितने ऐस हैं वो सब हमारे जीवन में तहस नहस करने वाले हैं। हमने बाहर के उजाले बढ़ा लिए, अंदर अंधेरा कर लिया है। बाहर के दोस्त बढ़ा लिए, अंदर के दुश्मन पैदा कर लिए। बाहर बहुत सारी चीजों को जोड़ लिया, अंदर से भिकमंगे हो गए। आदमी किसी चीज से तृप्त तो नहीं होता है, सुख को जानता ही नहीं, दुख को सुख समझ लेता है। क्योंकि जो संसार विषय सुखी होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सी विषादन कर संयम सो अनुरागे। कहते जो संसार विषय सुख होता, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग देते। हमने कष्टों को सुख समझ लिया है। कष्ट क्या है? आपको पता, भूख का कष्ट हो तो रोटी से मिल जाती तृप्ति है, कष्ट है वो दूर हो जाता है वस्तुओं से। ठंडी का कष्ट हो तो रजाई गद्दे कंबल कोट जरकिन से मिट जाता है, कोट आदि से मिट जाता है ठंडी का दुख। और गर्मी का दुख हो तो एसी कूलर से मिट जाता है। लेकिन अंतरंग का दुख कौन सी एसी से मिटेगा? अंदर का दुख जब होता है तो सुख के लिए तड़फ होती है। अभी हम कष्टों को कहते हैं बहुत दुखी हैं। दुखी नहीं हो, जो जिस दिन दुख आता है अंतरंग से आता है, और अंतरंग की आत्मा को सुननी पड़ती है। अंदर से एक तड़फ उठे, अभी हम असंतुष्ट नहीं हुए हैं। हम जीवन में असंतुष्ट हो जाएं एक बार। सब लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूं संतुष्टि मत करो, असंतुष्टि करो। क्योंकि असंतुष्टि कैसी करो? असंतुष्टि ऐसी हो कि वास्तव में जीवन में सुख नहीं है, असंतुष्टि ऐसी हो कि बाहर के कितने पदार्थ भी
आत्मा को तृप्त नहीं कर पाते हैं। बाहर के पदार्थ बाहर की तृप्ति देते हैं और बाहर में कैसे तृप्त हो गए, बाहर में इतनी तृप्ति मानने लगे, आज क्लब हो, होटल हो, पार्टियां हो, मोबाइल हो, नेट हो, जितनी चीजें हमें अपने से बाहर ले जाती हैं, लेकिन आत्मा की आवाज एक बार आ जाए कि जो संसार के सुख हैं वो व्यर्थ हैं, श्वास सुख तो अतींद्रिय है, और उस सुख के लिए कभी प्रयास नहीं किया। जो प्रयास करते हैं वो जब दुखी थे तो जंगलों में चले गए, हमारे महापुरुष दुखी थे तो अकेले में दुख उड़ेलने के लिए जंगल में चले गए, दुख विसर्जित हो गया, सुख की अनुभूति हो गई, समो शरण की रचना हो गई, तो लोगों को ज्ञान बांट दिया। आप क्या करते हो? आप दुख बांटते हो। देखो आदमी दुख में कितना रस लेता है। घर पे पत्नी वैसे आराम से बैठी होगी, पति के आने का टाइम होगा, कूलने लगेगी, क्योंकि उसे पता है पत्नी अच्छी होगी तो पति ज्यादा नहीं पूछेगा, बीमार दिखेगी, दुखी दिखेगी तो पूछेगा, तो वो क्या करे, उसे संवेदना चाहिए तो वो ऐसा करने लगती है। आप भी अपने बच्चे को, वो बुखार में हो, तड़प रहा हो, तो आप उससे पोटते हैं, बताओ क्या चीज देंगे, क्या चीज लेगा बेटा। लेकिन मैं कहती हूँ ये गलत प्रवृत्तियां बदलिए, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवार जनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।